राम राम जी। क्या आप जानते हो आज के समय में हर एक एवरेज नौजवान कुछ ना कुछ पूरे दिन में ऐसी एक या दो गलतियां जरूर करता है जो कि शरीर और बुद्धि का नाश करती है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारी शिक्षा का कि हमको उस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाता जो काम आए। और मैंने 4-5 पॉइंट ऐसे पता किए हैं जो कि हमारी बुद्धि और शरीर को खत्म करने का काम करते हैं। अगर आप इन 5 पॉइंटों को सुधार लेते हो तो भाई आपके शरीर की ग्रोथ, बुद्धि, आपका दिमाग बलशाली और शार्प बनना शुरू हो जाएगा। देखो वैसे तो उम्र के हिसाब से अपने आप हमारा दिमाग और शरीर का विकास होता रहता है, लेकिन दिन में कुछ ऐसी चीजें हर कोई कर लेता है, इसमें मैं भी आ जाता हूँ, जिससे शरीर और बुद्धि का सर्वनाश होता है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो मतलब जैसे कि पोल्यूशन हो गया, इनको मतलब ये तो खुद होती रहती है, हमको पता नहीं होता। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो हम करते हैं पूरा दिन में और हमको पता नहीं होता, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि वो गलतियाँ जो हम कर रहे हैं अनजाने में, और भाई वो हमें कितना नुकसान दे रही होती है, अंदर से खोखला कर रही होती है। तो वो गलती बताऊंगा कौन सी गलतियाँ, वो सबसे पहले वो जानते हैं और इन गलतियों को आपको सीधा सा बस सुधारना है। पहली गलती, मूड खराब, चिंता में, गुस्से में भोजन खाना या फिर कुछ भी खाना। इतनी ही चीज समझो, जब भी आपका मूड खराब हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, अधिक चिंता हो रही हो किसी भी चीज की, तो भाई उस समय भोजन मत खाना। अगर ऐसे समय में आप भोजन करते हो तो भाई बहुत भारी नुकसान झेलता है शरीर। जब भी आप भोजन करते हो, अपना खाना खाते हो, तो पहले दिमाग शांत करो, खुश होकर हमेशा खाना खाना चाहिए। वो खाना अधिक पावर बनाता है शरीर में, जो कि खुश रहकर शांति के साथ पूरे मन के साथ खाया जाए। आपने देखा होगा फास्ट फूड जब कोई खाता है तो एकदम से फैट बना देता है, मतलब फास्ट फूड एकदम से फैट बना देता है बॉडी पर। इसके पीछे का कारण ये भी है कि फास्ट फूड हम लोग पूरे चाव के साथ खाते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा लगता है और एकदम से रिजल्ट देता है। इसलिए भाई ये चीज़ ध्यान रखें, मूड खराब हो, चिंता हो, गुस्सा हो, अगर ये सब हो तो भोजन बिल्कुल मत करना। अगर मतलब करना है तो सबसे पहले दिमाग को शांत करें। दिमाग शांत कैसे होता है, गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र बोलने के बाद आंखें बंद करके अंदर ही अंदर ऊर्जा बननी शुरू होती है, तब भाई पॉजिटिव हो जाता है माइंड, बिल्कुल मतलब सकारात्मक ऊर्जा बनती है, उसके बाद आप भोजन कर सकते हो। दूसरी गलती, सोने से पहले ध्यान ना करना। होता कुछ ऐसा है कि पूरा दिन जब हम अलग अलग काम करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं खूब जमकर, चिंताओं से गुजरते हैं कई तरह की, मतलब दिन में कुछ से कुछ होता है हर एक इंसान के साथ, और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल चलाकर सोते हैं रात को, और फिर इन सब चीज़ों का असर हमारे दिमाग पर दिखता है सीधा। जब हम सीधा जाकर बेड पर सो जाते हैं तो हमारा दिमाग उस समय शांत नहीं होता और ना हम करते हैं उसको, हम सीधा सो जाते हैं बेड पर या फिर मोबाइल चलाकर सो जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल चलाया और रखा और सो गए, और फिर रात को हमारा दिमाग इधर उधर स्विच करने लगता है, जिससे एक तो नींद की क्वालिटी खराब होती है, बुद्धि भी छोटी होती है, दिमाग का विनाश होता है, और नींद भी अधिक आती है, मतलब नींद लंबी होती है लेकिन डीप नहीं होती, मतलब गहरी नहीं होती। नोटिस करना ये चीज। आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसे ही आप सोने जाते हो तो आपको अपनी नींद को ध्यान में बदल देना है। नींद को ध्यान में कैसे बदलें, आपको सोने से 10 मिनट पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना है आलती पालती मारकर, और जैसे ही सांसों पर ध्यान देते देते आपको लगे कि पूरे तरीके से आपको नींद आ चुकी है तो भाई आप सो जाएं। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आनी शुरू हो जाए तो आप सो जाएं, और फिर आपके दिमाग का पूरा फोकस सांसों पर रहेगा सोते समय, जिससे दिमाग इतना शांत हो जाएगा, इतना एकाग्र हो जाएगा कि आपकी जो नींद है वो बिल्कुल डीप स्लीप हो जाएगी, बिल्कुल गहरी हो जाएगी। और फिर जब आप धीरे धीरे मतलब सुबह धीरे धीरे जल्दी उठना शुरू कर दोगे सुबह, और आपका दिमाग बिल्कुल इंटेलिजेंट बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक तो आप जल्दी उठना शुरू कर दोगे, और जब भी आप उठोगे तो पूरे एनर्जी के साथ उठोगे, क्योंकि आपकी नींद गहरी हो रही है इसलिए। तीसरी गलती, भोजन का नियम ना अपनाना। भोजन का नियम बहुत कम लोग जानते हैं, और जो भोजन का नियम अपना लेता है ना मेरे भाई, उसके शरीर में अत्यधिक बल का निर्माण होता है। भोजन का नियम कहता है कि एक बाइट को भोजन, मतलब जो आपकी रोटी की एक बाइट है उसको 32 बार चबाओ खाने को, और पानी 1 घंटे बाद पियो, और पहले 40 मिनट पहले पियो, और खाना धरती पर बैठ कर खाओ, विरुद्ध आहार कभी मत खाओ। बाकी आप राजीव दीक्षित जी सर्च कर लेना, भोजन का नियम सर्च कर लेना, राजीव दीक्षित जी लिखकर भोजन का नियम सर्च करना है आपको, वहाँ आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा। भोजन का नियम अपनाने से होगा ये कि शरीर में जो भी आप खाते हो उसका कण कण पचेगा, बिल्कुल कण कण, और आपका लीवर मजबूत होता चला जाएगा, और वो अधिक से अधिक रस बनाएगा भोजन का, और अधिक से अधिक रस बनेगा तो भाई शरीर का बल बढ़ेगा आपके, और ग्रोथ होगी एक नंबर की बिल्कुल। चौथी गलती, दिन में सोना। अगर आप वर्कआउट करते हो, दिमागी कार्य ज़्यादा करते हो, तो भाई आधा या फिर 1 घंटे से कम ही के आसपास की नींद आप ले सकते हो दिन में, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप सोओगे दिन में तो भाई बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि जो इंसान दिन में सोता है एक तो उसका दिमाग सुस्त होता है, और फिर रात को वो लेट सोता है, जिससे उसके दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो रात को 10-11 बजे तक मतलब जाग रहा है, और फिर वो लेट उठता है, और फिर उससे और भारी नुकसान होता है, दिमाग को भी शरीर को भी झेलना पड़ता है, और एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसको बोलते हैं नाइट फॉल, जो लेट उठते हैं उनको नाइट फॉल होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बल का मतलब बहुत बल
गिरता है हमारे शरीर का नाइटफॉल से और वैसे भी। इसलिए अगर दिन में सोना भी है तो भाई मुश्किल से आधा घंटा या आधे से एक घंटे के बीच में इस तरह। पांचवी और आखिरी गलती, अगर आप हस्तमैथुन करते हो, मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ करते हो, विधा नाश करते हो और आप पोरन मतलब कुछ भी अश्लील देखते हो, सोचते हो और भाई कुछ भी मतलब इस तरह की क्रियाएं आप करते हो, पूरा पूरा दिन मोबाइल चला रहे हो, गलत देख रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये चीज़ें दिमाग का भी विनाश करती है और भाई शरीर का भी विनाश करती है। ये करती क्या है, सीधी सी बात करूँ शॉर्टकट में अगर बताऊँ, हमारे शरीर की जो पावर है, दिमाग की पावर, शरीर की पावर, इनको ख़त्म करती है। छोटी सी बात समझो, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है पूरे न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से निकल, ये एनर्जी हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन इकट्ठा करके बनती है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन लगता है इस एनर्जी को बनाने में, और जब ये एनर्जी निकलती है सेक्सुअल एनर्जी, तो हमारी बॉडी अपने मतलब खुद से ही ये न्यूट्रिशन निकालना शुरू कर देती है, इसलिए नींद भी आने लगती है। तो फिर होता ये है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, और वो न्यूट्रिशन ये थोड़ी ना कि आप एक दो दिन में पूरा कर दोगे। तो इस तरह बॉडी न्यूट्रिशन मतलब इसी एनर्जी को रिकवर करने में लगी रहती है, तो शरीर की ग्रोथ कहाँ से होगी, दिमाग की ग्रोथ कहाँ से होगी, इस चीज़ को समझ जाओ बस आप, उस दिन से आप चमकने शुरू हो जाओगे अगर आप इस एनर्जी को बचाना शुरू कर दोगे। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। ये हैं वो चीज़ें जिनको अगर आप सुधार लेते हो तो भाई एक से तीन महीने के बीच में आप चमकते हुए इंसान बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।